इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आप खराब कंडेंसर को नहीं फेंकोगे, क्योंकि इस वीडियो में एक कमाल का ट्रिक्स मैंने बताया हूँ जो आप देखकर खुद बना सकते हो। और आप देख सकते हो कि किस तरह से खराब फैन के जो कंडेंसर होते हैं, पंखा का जो कंडेंसर होता है, किस तरह से ये ड्राइवर सर्किट का काम कर रहा है, एलईडी बल्ब ग्लो हो रहा है। हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप देख रहे हो यहाँ पर दो कंडेंसर रखा हुआ है। इसको हम, ये जो आप देख रहे हो MCPCB LED बल्ब के किट है, इसको जला के दिखाने वाला हूँ। हाँ फ्रेंड्स, सच में आप वीडियो को पूरा देखो। ये ख़राब कंडेंसर है, एक ये वाला मेरा न्यू है, तो आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिया हूँ। तो हम जो ख़राब पड़ा हुआ था मेरा, इसमें हम MCPCB को जला के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो ड्राइवर सर्किट है आप देख रहे हो ये ख़राब हो चुका है। तो इसको हम अब यूज़ नहीं करेंगे, हम इसी कंडेंसर से, जो ख़राब कंडेंसर होते हैं पंखा का, उसी से हम ड्राइवर सर्किट बनाएँगे और आपको 2 मिनट में बना के दिखाएंगे। फ्रेंड्स, आप भी इस वीडियो को देखने के बाद 2 मिनट में बना सकते हो और आप जो MCPCB LED बल्ब है उसे जला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आपको फटाफट में बना के दिखाता हूं किस तरह से इसको बनाते हैं और किस तरह से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो न्यू वाला कंडेंसर फ्रेंड्स, इसको मैं साइड में हटा के रख देता हूँ। अब मैं जो ओल्ड ख़राब पड़ा हुआ कंडेंसर था उसको मैं काम में लूँगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मैंने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया, 4 डायोड लेकर आपको ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो इस तरह से आप ब्रिज रेक्टिफायर अगर बनाना नहीं जानते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरा दूसरा वीडियो में भी आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। और एक कॉन्डेंसर लेना है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ये है 47 UF 100 वोल्ट। तो ये कॉन्डेंसर आपको कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, तो जो ख़राब LED किट का जो सर्किट है, जो ड्राइवर सर्किट है, अब देख रहे हो इसी में ये कंडेंसर मिल जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो मैंने ड्राइवर सर्किट से ही ये कंडेंसर खोला। और डायोड, आप अगर डायोड की बात करो तो डायोड यहाँ पर भी लगा हुआ है, लेकिन मैं इस वाला डायोड को नहीं खोला, मैंने अलग से डायोड ले लिया, क्योंकि ये मात्र 50 रुपया करके मिलता है फ्रेंड्स, तो ये 2 रुपया का डायोड है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस कंडेंसर का आप देख रहे हो इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है, देख रहे हो यहाँ पर ब्लैक मार्क है, ये नेगेटिव साइड है। तो हम नेगेटिव साइड को, आप देख रहे हो इस किट के किट में, आप देख रहे हो फ्रेंड्स इस साइड प्लस है मतलब पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, माइनस है मतलब नेगेटिव है। तो हम कंडेंसर के पॉजिटिव में, पॉजिटिव के साथ इसको पॉजिटिव में जोड़ देंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को जोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जोड़ लेते हैं इसको। तो इसी तरह आपको जोड़ लेना है फ्रेंड्स, पॉजिटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव, उल्टा नहीं जोड़ना है फ्रेंड आपको। चलिए हम आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ लेना है, देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस जो ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड है, तो इसका जो वाइट मार्क्स जिधर है 2 डायोड का, उधर पॉजिटिव होगा, और जिधर वाइट मार्क नहीं है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक है, उधर नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, वाइट मार्क को हम पॉजिटिव के साथ जोड़ लेंगे। इसका जो पॉजिटिव है आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इसका जो पॉजिटिव है यहाँ पर हम डायोड के पॉजिटिव को जोड़ेंगे। आप चलिए आपको जोड़ के दिखाता हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव के साथ आपको पॉजिटिव डायोड को जोड़ लेना है फ्रेंड्स, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ना है, लेना है। और ये साइड जो है नेगेटिव है, तो हम कंडेंसर का नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से हम मोड़ लेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से मोड़ लेंगे और हम इधर जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको जोड़ना है, और मैं जोड़ चुका हूँ फ्रेंड्स। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसका जो 2 पॉइंट बचा है फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इधर 1 पॉइंट, इधर 1 पॉइंट। तो 1 पॉइंट हम क्या करेंगे, कंडेंसर के 1 वायर को जोड़ देंगे, जो 2 वायर निकलता है फ्रेंड्स, तो जो देख रहे हो आप 1 लीड 2 लीड, तो कोई दोनों में से कोई एक के साथ हम जोड़ देंगे इस तरह से। चलिए हम जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी जोड़ लेना है फ्रेंड्स। और मैंने जोड़ दिया फ्रेंड्स, आप देख रहे हो। अब हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सीधा इसमें पावर देंगे, 220 AC वोल्ट हम देंगे इसमें। तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें AC का जो वायर है मैं जोड़ लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक वायर जो डायोड के एक साइड खाली है, आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, देख रहे हो यहाँ पर जोड़ेंगे। और एक वायर जो कंडेंसर है, कंडेंसर का खाली वायर था, आप देख रहे हो यहाँ पर जोड़ेंगे। अब हम इसमें जोड़ने के बाद पावर दे देंगे फ्रेंड्स, और
आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने जोड़ दिया हूँ, एसी लाइन डायरेक्ट गया है, आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, एसी गया है, देखिए डायरेक्ट प्लग में गया है। और आपको जैसे ही लाइन दूंगा देखिएगा कितना अच्छा ग्लो हो रहा है ये, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।